please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ पुलिस वाले एक हॉस्टल के कमरे की कुंडी की फोटो खींचने लगे। इस कमरे में बीएससी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पढ़ाई के दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस ने कमरे की कुंडी की तस्वीरें खींची, जिसे लड़की के बाहर न निकलने पर तोड़ दिया गया था। इसके बाद कमरे के अंदर दाखिल हुई पुलिस ने छात्रा को फंदे से लटकता पाया। हॉस्टल में छात्रा की फांसी लगाने की खबर सुनकर वहां पढ़ने वाली छात्राओं में दहशत मच गई। अब फोरेंसिक टीम आई हुई है, फोरेंसिक टीम और पीएम रिपोर्ट के बाद सारी चीजें और डिसाइड होंगे। बिहार की रहने वाली ये लड़की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने दावा किया कि फोरेंसिक टीम को छात्रा के पास एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने पढ़ाई के बोझ को आत्महत्या की वजह बताया। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे पैरा मेडिकल कोर्स के छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस पर ताला लगा दिया। अलग अलग शहरों से पटना पहुंचे ये छात्र पैरा मेडिकल काउंसिल बनाने समेत 6 मांगों को लेकर प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब प्रिंसिपल ने उनकी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं दिया तो खफा छात्रों ने प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर ताला लगाकर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया। छात्रों ने प्राचार्य को बंधक बना लिया है, पीएमसीएच के प्राचार्य अजीत वर्मा को बंधक बना लिया है और देख सकते हैं मेन गेट में ताला बंद कर दिया है। तमाम जो अधिकारी है कर्मचारी है वो अंदर बंद है। इससे पहले छात्रों ने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। इस बीच कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन छात्र उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कोई अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट क्या करेंगे, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, आंदोलन करेंगे हम। बिहार के अलग अलग कॉलेजों से पैरा मेडिकल कोर्स कर रहे इन छात्रों की दलील है कि वो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद छात्रों ने प्रिंसिपल को उनके ही दफ्तर में बंधक बना लिया। हालांकि प्रिंसिपल के दफ्तर में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो भी गुस्साए छात्रों को काबू में नहीं कर पाई। वहां मौजूद छात्रों ने कॉलेज के कर्मचारियों और पुलिस वालों को धकेलते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर पर ताला लगा दिया। संयुक्त काउंसिल का गठन होना चाहिए, जिससे कि सभी छात्र उसमें पंजीकृत रहेंगे। यदि बिहार से बाहर भी जॉब करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं और स्वतंत्र रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रिंसिपल को करीब एक घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद छात्रों ने ताला खोल दिया। हालांकि पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों की मांग पर पीएमसीएच प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और कुछ लोगों में टोल को लेकर झड़प हो गई, इसमें कई लोग घायल हो गए। ये बताया जा रहा है कि हंगामे के बीच कार सवार ने फोन कर और लोगों को भी बुला लिया, जिसके बाद टोल पर जमकर हंगामा हुआ। करीब आधा घंटा तक टोल पर यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों में समझौता कराया। पोलैंड के बेलकातू में यूरोप की सबसे बड़ी कोयले की खदान में हुई रेस में एक साथ 1000 मोटरसाइकिलें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ने लगी। इस बेहद मुश्किल रेस को दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ने जीत लिया, जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लेने वाले करीब 1000 मोटरसाइकिल सवारों को पीछे छोड़ दिया। इस रेस को देखने के लिए यूरोप की सबसे बड़ी कोयले की खदान में करीब 35,000 दर्शक जुटे। इस मुश्किल रेस की शूटिंग हेलीकॉप्टर से भी की गई। रेस को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसके पहले हिस्से में धूल भरा रास्ता था। इस रास्ते को पार करने में खिलाड़ियों को ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। रेस के अगले हिस्से में कई तरह की रुकावटों को पार करना था, जिन्हें बहुत से सवार पार नहीं कर सकते। इसलिए देखते ही देखते इस रेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या आधी भी नहीं रह गई। रेस के तीसरे हिस्से में खिलाड़ियों को गहरी खुदाई वाले इलाके से गुजरना था, जो बहुत से खिलाड़ियों के लिए सबसे मुश्किल रास्ता साबित हुआ। और इस इलाके के ऊंचे टीलों को पार करने की कोशिश में कई सवारों के हाथ से उनकी मोटरसाइकिल भी छूट गई। कुछ मोटरसाइकिल सवार भारी धूल वाले इलाके में गिर पड़े, लेकिन असली मुश्किल उस रास्ते में पेश आई जहां सख्त पत्थर थे। इस रास्ते में फंसकर कई सवार गिर पड़े। हालांकि सभी रुकावटों को पार करते हुए दक्षिण अफ्रीका के वेड यंग सबसे आगे निकल गए और उन्होंने रेस को सबसे पहले पूरा किया। जल्द ही उनके पीछे पोलैंड के टैडी भी पहुंच गए, जो नंबर 2 पर रहे। प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर ब्रिटेन के बिली बोल्ट रहे।
ब्रिटेन की एक अदालत आज भारत से भागे कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। ये कहा जा रहा है कि इस दौरान जज मुंबई के आर्थर रोड जेल के उस कोठरी का वीडियो देख सकते हैं जहां प्रत्यर्पण की स्थिति में माल्या को रखा जा सकता है। माल्या पर धोखाधड़ी और लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज ना चुकाने का आरोप है। पिछले साल 4 दिसंबर को लंदन की अदालत में उनके प्रत्यर्पण को लेकर मुकदमा शुरू हुआ था, लेकिन माल्या को जल्द ही कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने भारतीय अधिकारियों से आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 का वीडियो सौंपने को कहा था ताकि कोठरी में स्वाभाविक रोशनी की उपलब्धता के बारे में संदेह दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक चोरी का वीडियो सामने आया है। स्टंट का वीडियो बनवाकर वायरल करने वाला लड़का ट्रेनों में सामान चुराने वाला एक चोर है। वीडियो 3 महीने पुराना है और वायरल होने के बाद पिछले महीने आरपीएफ की नजर में आया था। इसे आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो में लड़का तेज रफ्तार में चल रही ट्रेन के निचले हिस्से में छिपा हुआ होता है। इसके बाद यह लड़का चलती ट्रेन में स्टंट करते हुए ट्रेन में ऊपर आ जाता है। ये स्टंट इतना खतरनाक है कि जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। ۲۰۱۹ के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा लोगों और युवाओं तक पहुंचने के लिए गूगल और व्हाट्सएप का सहारा लेने की रणनीति बनाई है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसके लिए गूगल और व्हाट्सएप लिंक ट्वीट किए हैं जिसके जरिए पार्टी के बदलाव, धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम और रैलियों की सूचना मिलेगी। लिंक के जरिए कांग्रेस से जुड़ने वाले लोगों से पार्टी उनका नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, राज्य और ईमेल एड्रेस भी मांग रही है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के लिए। अरुण, साम दान दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? देखिए, निश्चित रूप से 2019 की लड़ाई है और इस लड़ाई में कोई कसर छोड़ना कांग्रेस चाहती नहीं है। चूंकि खास तौर से युवाओं के ऊपर नजर है कांग्रेस की, सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर युवा बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अगर सोशल मीडिया के जरिए और गूगल ऐप के जरिए अगर आम आदमी तक और युवाओं तक कांग्रेस की नीतियों को, कार्यक्रमों को, धरना प्रदर्शन को और सारी जानकारियों को, उसकी योजना को, उसके प्लान को आगे किया जाए तो हो सकता है कुछ लोग कांग्रेस से आकर्षित हो, कांग्रेस से जुड़े। और यही नजरिया और यही एक तरह से मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि 2014 में जिस तरह की ऐतिहासिक हार कांग्रेस की हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि युवाओं ने और महिलाओं ने, इन दो बड़े वोट बैंकों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ रुख किया था। और यही वजह थी कि कांग्रेस इस बार समय से पहले सतर्क है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ युवाओं बल्कि महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, आम आदमी तक जुड़ने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से तो पहले से ही एक्टिव मोड में यहां पर कांग्रेस। शुक्रिया अरुण सिंह। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर पेपर मिल में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर है। घटना बिजनौर के नगीना रोड की बताई जा रही है। इधर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से मिल रही है। पेपर मिल जिसमें बॉयलर फटा, इस वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में कटरा हाईवे पर आतंकियों की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने एक ट्रक को जब्त कर ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया। ट्रक में सवार 3 आतंकी थे जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे और फायरिंग के बाद तीनों आतंकी फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक से AK-47 राइफल और 3 मैगजीन भी बरामद की है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सर्च के दौरान उसमें से फायर आया, तो उसके बाद हमारा जो है रिस्पांस मैकेनिज्म जॉइंट जो है आर्मी सीआरपीएफ एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, वो शुरू हो गया है। सर्चिज हैव बीन स्टार्टेड। तो कुछ अभी डिटेल्स है कितने मिलिटेंट है? वी सस्पेक्ट दैट 2 to 3 मिलिटेंट शुड बी देयर। इधर चीन ने अगस्त में 3 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, ये दावा ITBP की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती में 6 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को घुसपैठ की। इस दौरान चीन के कुछ सैनिक और नागरिक बाराहोती की रिमखिम पोस्ट के पास दिखाई दिए थे। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन के सैनिक और नागरिक करीब 4 किलोमीटर तक भारतीय सीमा के भीतर घुस आए थे। हालांकि ITBP के कड़े विरोध के बाद ये लोग वापस चले गए थे। चीन और भारत के बीच इससे पहले डोकलाम पर भी विवाद हो चुका है। वहां पर 72 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, हालांकि बाद में विवाद को सुलझा लिया गया था।
भारतीय सेवा में अगस्त में तीन बार चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी के दावों के बावजूद चीन साल 2014 से लगातार घुसपैठ करता आ रहा है। कांग्रेस ने यह कहा है कि सरकार चार साल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नाकाम रही है। 2014 में जब ये सरकार बनी थी तब ये ताल ताल ठोक ठोक के कहते थे श्री नरेंद्र मोदी कि अगर हमारी सरकार बनी तो परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। परिंदा तो छोड़ो, यहाँ पे चीनी एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, निरंतर लगातार 2014 से घुसे ही आ रहे हैं। वास्तविकता ये है, इस सरकार ने चीन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बीच एक बैठक में बहस हो गई। ये दावा किया जा रहा है कि विधायक साधना सिंह अपने जिले के एक सफाई कर्मी के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से नाराज थी। और मुख्यमंत्री के चंदौली दौरे से पहले हो रही समीक्षा बैठक में विधायक साधना सिंह ने राज्य मंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। तमाम आरोपी 25-50 की लिस्ट विधायक की शिकायत पर वहां बैठे राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कुछ कहा, जिस पर विधायक साधना सिंह गुस्सा हो गई और अगली बार उनकी मीटिंग में शामिल न होने की धमकी देने लगी। विधायक की नाराजगी जाहिर करने के बाद राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने मामले को संभालने की कोशिश की और अधिकारियों को विधायक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। हालांकि राज्य मंत्री के आदेश देने के बाद भी विधायक साधना सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ व्यापारी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने पुलिस पर उनसे बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलते ही थाने के बाहर कई व्यापारी जुटे और पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री को ज्ञापन देने जाते वक्त पुलिस वालों ने उनको हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट भी की गयी। यहाँ के जो अजय सेठ जी है उन्होंने बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, तो यहाँ पर उन्होंने मेरे पंच मारा। व्यापारियों के हंगामे को बढ़ता देख थाने के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, जबकि पुलिस वालों और व्यापारियों के बीच सुलह करवाने की कोशिश के लिए कई नेता भी थाने पहुँच गए और व्यापारियों को शांत करवाने की कोशिश करने लगे। इस बीच पुलिस वालों ने व्यापारियों के साथ मारपीट करने के आरोपों को गलत बताया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बैठक के बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ खाने के स्टॉल पर पैनकेक बनाने लगे। ये दोनों नेता इस फोरम के बाद दोनों देशों के सैन्य अभ्यास को देखने जाएंगे। इसे रूस के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया गया है। लेकिन इससे पहले दोनों नेताओं ने एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद पैनकेक बनाकर अपने खाना बनाने का हुनर दिखाया। दोनों ने एक मंझे हुए शेफ की तरह पैनकेक को तैयार किया और फिर उसे खाया। इस बीच दोनों ने वोदका का ग्लास हाथ में लेकर चीयर्स भी किया। इस खास पल से पहले दोनों जिस बैठक में हिस्सा ले रहे थे उसमें क्षेत्रीय सहयोग पर काफी देर तक चर्चा की गई थी। हालांकि वहां से बाहर आते ही शी जिनपिंग और पुतिन खाना बनाने और खाने का आनंद लेने से नहीं चूके। दोनों ने वहां आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस तरह इन नेताओं ने दोनों देशों के आपसी संबंधों में और भी मजबूती का सबूत दिया। जिसे दोनों देशों की सेना भी व्लादिवोस्तोक में जाहिर कर रही है, जहां दोनों देशों के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चीन से 3,500 जवान पहुंचेंगे। जबकि इस अभ्यास में चीन और रूस के सैनिकों की तादाद 3,00,000 के करीब बताई गई। यही नहीं, इस अभ्यास में 36,000 से ज्यादा सेना की गाड़ियां, 80 जहाज और करीब 1,000 हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस सैनिक अभ्यास को वोस्तोक 2018 नाम दिया गया, जो 17 सितंबर तक चलेगा। इस बीच उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन नाटो ने इस अभ्यास को संघर्ष का बड़े स्तर पर अभ्यास करार दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक होमगार्ड डांस करते हुए वहां ट्रैफिक कंट्रोल करने लगा। प्रताप चंद्र खंडवाल नाम का ये होमगार्ड लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए ऐसे ही प्रेरित करते हैं और इसी तरह रोजाना सड़क पर डांस कर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है प्रताप चंद्र खंडवाल अपने अंदाज में लोगों को निकालने का इशारा करते हैं और सिग्नल के रेड होते ही वो डांस करने लगते हैं। डांस करने के साथ साथ प्रताप चंद्र सीटी भी बजाते हैं, जो कि उनके डांस से मेल खाती है। प्रताप चंद्र के मुताबिक इस अनोखे अंदाज से लोग उनकी ओर ध्यान देते हैं और काफी सराहना भी करते हैं। जो 5 आदमी एक्साइटमेंट आता है ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं 1 आदमी कंट्रोल कर सकूंगा। प्रताप चंद्र ने दावा किया कि सड़क पर उन्हें डांस करता देख लोग रेड लाइट होने पर रुक जाते हैं, जबकि पहले लोग नियम तोड़ते हुए निकल जाते थे। इधर भोपाल पुलिस ने हाईवे पर 33 हत्याओं के खुलासे का दावा किया। पुलिस ने सीरियल किलर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने 10 साल में 33 हत्याएं की हैं।
पुलिस ने बताया कि ये गैंग हाईवे पर ट्रक से लूटपाट करता था और लूट के बाद ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर देता था। मध्य प्रदेश के अलावा गैंग छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी सक्रिय था। तो हाईवे पर हत्या करने वाला ये गिरोह, जिसका पर्दाफाश हुआ है, गिरोह एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में सक्रिय था। इसके गैंग के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने ये कबूल किया है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 33 हत्याएं की हैं।